यानी भिन्न। जो भी बच्चे न्यू होते हैं वो फ्रैक्शन का वर्ड सुनते ही डर जाते हैं कि फ्रैक्शन क्या होता है, इसके क्वेश्चंस कैसे आएंगे, है ना। तो फ्रैक्शंस के क्वेश्चन कभी भी अंश और हर यानी न्यूमिनेटर और डिन्यूमिनेटर के हिसाब से आता है, यानी इस तरीके से लिखा हुआ होता है। इस तरीके के क्वेश्चन ही आते हैं फ्रैक्शन में, है ना। तो फ्रैक्शन ये बहुत बड़ा है चैप्टर, ये आप सब पूरा एक साथ नहीं सीख सकते, इसको डिवाइड करके सीखेंगे। आज मैं आपको इसके कुछ पॉइंट्स सिखाऊंगी, जैसे फ्रैक्शंस के कितने पार्ट्स होते हैं। फ्रैक्शंस के ऐसे बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, पर इसमें के दो तीन पार्ट्स मैं आपको समझाना चाहती हूँ। जैसे फर्स्ट होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन ये होता है, इसको कहते हैं हम उचित भिन्न। यानी कि इसमें क्या होता है, जो अंश होता है वो होता है छोटा और हर होता है बड़ा, यानी न्यूमिनेटर होता है छोटा और डिन्यूमिनेटर होता है बड़ा, ठीक है। ये देखते ही आपको क्वेश्चन में पता चल जाएगा कि ये कौन सा वाला क्वेश्चन है, ऊपर वाला छोटा होना चाहिए और नीचे वाला बड़ा होना चाहिए। आपको ऐसे नहीं पता चले तो डिनोमिनेटर मतलब क्या होता है, नीचे वाला, और न्यूमिनेटर मतलब ऊपर वाला। नीचे वाला यानी हारा हुआ जो भी होता है वो नीचे होता है और जीतता है वो ऊपर होता है। इसका मतलब ऊपर होता है अंश और नीचे होता है हर, न्यूमिनेटर और नीचे डिनोमिनेटर। अब इसका सेकेंड वाला पॉइंट लेंगे, वो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी अनुचित भिन्न। ये होता है इसका अपोजिट, इसमें ऊपर वाला बड़ा होता है और नीचे छोटा होता है, और इसमें ऊपर वाला बड़ा होता है और नीचे वाला छोटा होता है, इसका अपोजिट होता है। अगर इन दोनों में से कोई भी आप एक चीज को समझ लोगे तो दूसरे वाला क्वेश्चन आसानी से पता चल जाएगा। जैसे आपको प्रॉपर फंक्शन पता चल गया कि प्रॉपर फ्रैक्शन में ऊपर वाला छोटा और नीचे वाला बड़ा होता है, तो दूसरा जो भी क्वेश्चन आएगा वो इम्प्रॉपर का होगा, है ना। आपको आसानी से पता चल जाएगा कि अगर ये नहीं है तो यही होगा। इसी तरह से तीसरा वाला है मिक्स्ड फ्रैक्शन, यानी मिश्र भिन्न, है ना। इसमें क्या होता है, ये इसमें तो है कि ऊपर वाला छोटा नीचे वाला बड़ा होता है, यानी न्यूमिनेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा होता है। इसी का अपोजिट ये है कि न्यूमिनेटर होता है वो बड़ा होता है और डिनोमिनेटर होता है वो छोटा होता है। पर इसमें कैसे होता है, एक फ्रैक्शन दिया हुआ होता है कोई भी, चाहे इसका हो चाहे इसका हो, पर इसके साथ एक होल नंबर आपको दिया हुआ होता है, इसीलिए आपके लिए ये मिक्स फ्रैक्शन है। क्योंकि इनमें तो सिर्फ ये वाली चीज होती है, पर इसके साथ एक होल नंबर जब देते हैं इसको कहते हैं मिक्स फ्रैक्शन। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, इसे नॉर्मल इस तरीके से या इस तरीके से इसको बनाना पड़ेगा तो हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 4 को और 5 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इन दोनों को प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे 5 4 20 प्लस 3, ये वाला 3 तो कितना हो गया 23, और जो नीचे डिनोमिनेटर है वो यूं का यूं आ जाएगा। ये आपका जो मिक्स फ्रैक्शन था उसको हमने सिंपल फ्रैक्शन में चेंज कर दिया, है ना बच्चों। अब हम एक और एग्जांपल लेके देते हैं, जैसे 2/5 है और 4/3 है। अब इसमें ये बताना है कि कौन सी जो फ्रैक्शन है ये बड़ी है और कौन सी छोटी है। जैसे आपको नॉर्मली ऐसे दिया हो कि 2 बड़ा है या 3, तो आप आसानी से पता कर लोगे कि 3 बड़ा है, है ना। पर इसमें तो अब कैसे पता चलेगा हमें कि कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी भिन्न छोटी है, इसलिए हम क्या करेंगे, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 3 6 और 5 4 20, जो बड़ा आएगा वो भिन्न बड़ी होगी, यानी
फोर अपॉन थ्री जो क्वेश्चन है, फोर अपॉन थ्री ये बड़ा होगा टू अपॉन फाइव से, है ना बच्चों। तो इसी तरीके से आप कर लोगे, कोई भी फ्रैक्शन आएगा उसमें क्या करना है, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और जो आंसर आता है उससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सी वाली फ्रैक्शन बड़ी है और कौन सी वाली फ्रैक्शन छोटी। अब ये दूसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे दो फ्रैक्शंस होते हैं उसमें तो आप आसानी से क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं, पर जब इतने सारे एक साथ देंगे और इनमें पूछेंगे कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है तो आप क्या करोगे। इसके लिए देखिए, जैसे ये सिक्स बड़ा है और टू छोटा है तो आप इसको डिवाइड कर नहीं सकते। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक बार सब में जीरो बढ़ा देंगे। जैसे 20/6, 30/5, 9/12, 40/17। अब हम क्या करेंगे, इससे इसको डिवाइड करेंगे, काटेंगे। कैसे काटेंगे, 6 की टेबल में 20 आता है क्या, 6 3 18, यानी पूरा नहीं जाए पर एज अ जाए तो हमको पता चल जाएगा कि यहाँ पे आया है हमारे 3। अब 5 6 और 12 7 84, पूरा नहीं जा रहा है पर फिर भी एज अ निकालने के लिए आंसर हम ऐसे करेंगे। 17 7 2 ठीक है, क्योंकि 17 2 ही आएगा 32। इससे अगर आगे बढ़ेंगे तो इससे बड़ी संख्या आ जाएगी। अब आपको ये नंबर्स मिल गए, अब इन नंबर्स से आपको पता चलेगा कि कौन सी वाली जो फ्रैक्शन है वो बड़ा है और कौन सा छोटा है। जैसे सबसे बड़ा इसमें है 7 नंबर, यानी जो ये 9/12 है ये सबसे बड़ा है और पूछ ले कि इसमें सबसे छोटा कौन सा है, तो 2 सबसे छोटा है इसलिए ये वाला जो है ये सबसे छोटा होगा, है ना। अब जैसे इसी क्वेश्चन का एक और चीज आए कि इसी को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में आप लिखिए, तो आपको पता ही है असेंडिंग में क्या होता है, छोटे से बड़ा 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 ऐसे लेते हैं, और डिसेंडिंग में होता है हम बैक आते हैं, उल्टी साइड आते हैं। तो इसी को हम असेंडिंग ऑर्डर कैसे लिखेंगे, जैसे सबसे छोटा क्या है 4/17, फिर उससे बड़ा क्या है थर्ड नंबर वाला 2/6, फिर उसके बाद क्या आएगा 6 नंबर का 3/5, और सबसे बड़ी संख्या है वो है 9/12। ये तो हो गया आपका असेंडिंग ऑर्डर। अब इसी को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, जो असेंडिंग ऑर्डर होता है उसका बिल्कुल अपोजिट होता है। सबसे बड़ा 9/12, 3/5, 2/6 और 4/17। इसी तरीके से इन प्रश्न का कई तरीके से आंसर निकल सकता है, जैसे असेंडिंग डिसेंडिंग पूछे तो भी, और ये भी पूछ ले कि इनमें से कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है कौन सा फ्रैक्शन छोटा है, तो वो आप आसानी से निकाल सकते हैं। आपको क्या करना है, एक बार सबके पीछे जीरो लगाना है और नीचे वाला जो है डिनोमिनेटर वो वैसे ही लिखना है, फिर उससे इनको कट करना, डिवाइड करना है, जिस भी नंबर तक पहुंचता है उतना आपको डिवाइड करना है, फिर वो आपको नीचे लिखना है, देन आप इससे पता कर सकते हैं कौन सी छोटी है और कौन सी बड़ी है। अब ये नेक्स्ट एग्जांपल हम लेके देखेंगे। जैसे इससे पहले वाले एग्जांपल में हमने न्यूमिनेटर में जीरो बढ़ा दिया था, अब यहाँ पे तो जीरो बढ़ाएंगे तो ये कितना बड़ा हो जाएगा, फिर जिसको 17 की टेबल नहीं आती है उसको कितना प्रॉब्लम होगा, होगा ना। इसलिए अब हम क्या करेंगे, इसका एक नया फॉर्मूला है, जैसे ऊपर वाली संख्या तो यूं की यूं लिख देंगे, और जितना ये बड़ा है 13 से 17 जितना बड़ा है वो नीचे लिखेंगे। जैसे 13 से 17 कितना बड़ा है 4, तो 4 नीचे लिख दिया, 16 ऊपर लिखना है, और 16 के बाद 19 कितनी बार बोलने में आएगा, 17 18 19, 3 मतलब अपने को 3 लिखना है। फिर है 11, 11 से 18 का आएगा 7, फिर आएगा 23 के नीचे आएगा 3, क्योंकि 23 में 3 प्लस करेंगे तब 26 आएगा। अब ये हो गया ना आसान तरीका। अब 4 3 7 की टेबल तो आपको आती है, ये वाली टेबल थोड़ी बड़ी होती है, प्रॉब्लम आती है, इसलिए इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब इसको डिवाइड करेंगे, 4 3 12 एक रह गया, कोई बात नहीं, 3 5 15 और 7 1
सेवन, क्योंकि सेवन टू जा लेंगे तो 14 हो जाएगा जो इससे बड़ा हो जाएगा। 3 7 21 यानी हमारा आ गया 3 5 1 और 7। अब हमें इस संख्या से पता चल जाएगा कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, यानी इसमें सबसे छोटी कौन सी है ये वाली, सबसे बड़ी कौन सी है ये वाली। अब इसको आप आसानी से असेंडिंग डिसेंडिंग में निकाल सकते हो, है ना। जैसे फर्स्ट हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो फर्स्ट क्या आएगा 11/18, सेकेंड क्या आएगा 13/17 और थर्ड वन आएगा 16/19 और लास्ट है जो सबसे हाईएस्ट है वो है 23/26। अब इसी तरीके से डिसेंडिंग ऑर्डर, सबसे 23/26, फिर है 16/19, फिर है 13/17 और लास्ट है 11/17। जब देखिए आप दोनों फॉर्मूले अपना लेंगे, इससे पहले वाले में जीरो बढ़ाना था क्योंकि वो छोटी संख्या थी और ये है जो बड़े बड़े डिजिट्स है, इतना आपको टेबल्स पढ़ने में प्रॉब्लम्स होती है, इसलिए इसको इस तरीके से सॉल्व कर लीजिए, छोटा कर लीजिए। छोटा करने से आपको जब ये सब पता चल जाएगा तो ये आसानी से हो जाएगा, इसके जो भी तरीके के क्वेश्चन पूछेंगे जैसे सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, असेंडिंग डिसेंडिंग, ये सारी चीजें आपको एक ही क्वेश्चन से आसानी से मिल जाएगी। क्यों बच्चों, आपको फ्रैक्शन के बारे में कुछ तो नॉलेज बढ़ गया, और इसके आगे वाला मैं अगले वीडियो में लेके आऊंगी। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर अनदर अपडेट्स। थैंक यू।